अंत भला तो सब भला। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में राजनीति अपने शवाब पर है। कौन किसका साथ छोड़ जाए और कौन किसके साथ चला जाए पता ही नहीं चलता। अब यूपी के दो बबुआ की ही बात करें। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ही हो रही है, जिनकी जोड़ी फिर एक साथ दिखने वाली है। क्या है पूरा मामला, अब दोनों के बीच बात भी बन गई है, आपको इस वीडियो में इस पर विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से जारी बातचीत के बाद सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद सीट की डिमांड ड्रॉप कर दी गई है। आगे की बातचीत कांग्रेस के यूपी प्रभारी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच भी तय हो चुकी है। अखिलेश यादव बाकायदा इस पर मुहर भी लगा चुके हैं। समझौते के मसले पर अखिलेश ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अंत भला तो सब भला, क्या समझे तो क्या माना जाए, आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। आपको बताते चलें कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का फार्मूला तय हो चुका है। वाराणसी कांग्रेस के ही खाते में रहेगी, अखिलेश यादव यहां से अपना उम्मीदवार वापस लेंगे। कांग्रेस आला कमान ने अखिलेश को दी हुई सीटों पर आखिरी में सिर्फ दो बदलाव मांगे, पहला हाथरस और दूसरा सीतापुर। सपा ने कांग्रेस की इस मांग को मान लिया, वहीं दूसरा ये कि बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट सपा ले ले और कांग्रेस को श्रावस्ती दे दे। कांग्रेस आला कमान अब संतुष्ट है। दोनों पार्टियों के बीच काफी दिनों से इसको लेकर जद्दोजहद चल रही थी, आखिरकार दोनों के बीच ये मसला सुलझ गया है। बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी से बात की और फिर उन्होंने अखिलेश यादव से बात की है। कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद सीट की डिमांड ड्रॉप कर दी गई। आगे का बातचीत कांग्रेस के यूपी प्रभारी और समाजवादी पार्टी के बीच करीब करीब फाइनल है। कांग्रेस ने कहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर वो आखिर तक समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस का मानना है कि सामने बड़ी लड़ाई है, इसलिए साथ जरूरी है, समझौता नहीं होने से दोनों को नुकसान होगा। कांग्रेस तो यूपी में सिफर है ही, मुख्य विपक्षी दल सपा भी धड़ाम होगी। मिलकर लड़ने से मोदी विरोधी और अल्पसंख्यक मतदाता एकजुट होकर गठबंधन का साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।